नमस्कार दोस्तों, नाइसिन चैनल को स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर्स के सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में। जो मैं आपको सिम्टम्स एंड साइंस बताने जा रहा हूं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फैटी लिवर आगे बढ़ने से पहले इलाज करा सके। दोस्तों, पहला जो सिम्टम्स है वो है पेट में दर्द। शुरुआत में आप पेट में दर्द और भूख ना लगना जैसे लक्षण का अनुभव कर सकते हैं। दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्सों में महसूस होता है। इस तरह केसेस में आप मान सकते हैं कि आपको फैटी लिवर की वजह से हो रहा है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आया फ्लूइड एक्युमुलेशन। फ्लूइड एक्युमुलेशन को मेडिकल टर्म में एसाइड्स भी कहा जाता है। इसके वजह से एब्डोमिनल पेन, फुलनेस, नोजिया, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स दिखा जा सकता है। तो इस तरह केसेस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो आपको पेट में दर्द हो रहा है, नोजिया हो रहा है, ब्लोटिंग, जो खाने की वजह से ब्लोटिंग हो रहा है, फुलनेस, पेट सब भारी भारी लग रहा है, इस तरह के केसेस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वेट लॉस, यदि आप वेट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है तो ये भी फैटी लिवर की वजह से हो सकता है, लेकिन अन्य डिजीज़ के कारण भी वेट लॉस हो सकता है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप कुछ भी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके वेट दिन ब दिन ऑटोमेटिक घट जा रहा है, तो इस केसेस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पीलिया जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण आपकी त्वचा और आपकी आँखों का सफ़ेद भाग पीला हो जाता है। ये परिवर्तित लिवर और त्वचा के नीचे बिलिरुबिन की अधिक संचय के कारण होता है। उसके बाद आया ब्लड कोआगुलेशन। लिवर सेल्स जो है वो ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर, फिब्रोनेजिन, प्रोथ्रोबिन फैक्टर 5, 7, 9, 10, 11, 12 एज वेल एज प्रोटीन सी एंड एस में इन्वॉल्व रहता है। ये फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम ब्लड जमाट भी कहते हैं, इसमें मदद करता है। यदि आपका फैटी लिवर है तो ये फैक्टर्स प्रोडक्शन कम कर देता है जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। उसके बाद आया स्पाइडर एंजियमा। ब्लड वेसल्स आपके स्किन के नीचे स्पाइडर की तरह दिखता है, पूरी जगह लाल कलर हो जाता है। यदि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी एक फैटी लिवर की साइन है। यदि आपके देख सकते हैं स्किन के नीचे स्पाइडर की तरह लाल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है स्किन के नीचे, मतलब ये भी एक फैटी लिवर की साइन है। स्टूल की कलर, गहरी रंग का पेशाब और पीला मल लिवर डिजीज का संकेत होता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यदि आप पुरुष है और आपका ब्रेस्ट एनलार्ज हो रहा है किसी की वजह से, मतलब आप किसी तरह की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं लेकिन ये हो रहा है, तो ये भी एक फैटी लिवर की साइन है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ 5-6 सिम्टम्स बताया, इसमें से यदि आपको 3-4 या 2-3 हो रहा है तो ये एक फैटी लिवर की साइन है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।